आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को लेकर गाइस यहां पे एक नई अपडेट निकल कर आ रही है कि कौन सी महीने में आप सभी को आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन देखने को मिल सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो गाइस अभी पूरी तरीके से कंफर्म रिपोर्ट है एंड तो गाइस वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात कर लेते हैं आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के बारे में। मेगा ऑक्शन में गाइस आप सभी को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली जो स्टोरी है ना, जहाँ पे दो नई टीमें आएगी उसकी वजह से सब कुछ बदल रहा है मेगा ऑक्शन में। आप चार खिलाड़ी को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हो एंड चार खिलाड़ी आपकी टीम से कहीं नहीं जाने वाले। पहले पांच खिलाड़ी थे लेकिन गाइस अब यहाँ पे चार खिलाड़ी रहेंगे, मतलब नंबर आपके जो रिटेंशन के है ना वो थोड़ा सा एक कम जाएगा। तो ये सभी टीमों को झटका लगा है नई टीमों के आ जाने से। तो गाइस जो नई टीमें आने वाली है वो हम सभी को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अब गाइस हम बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई ने गाइस ऑक्शन का डेट को लेके एक हिंट तो दिया है लेकिन उसके बाद साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है आईपीएल के मैचेस को लेके। जी हाँ, पहले हम सभी को गाइस आईपीएल मैचेस यहाँ पे हर एक टीम 14-14 मैचेस खेल सकती थी, जहाँ पे अगर आप लोग 8 मुकाबले जीत जाते हो तो आप लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे आईपीएल 2022 में आपको ये चीज भी देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे बीसीसीआई का कहना है कि दो नई टीमें आएगी तो वो लोग 14-14 मैचेस खेलेगी तो 90 मैचेस हो जाएंगे या फिर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, बीसीसीआई का ऐसा कहना है। तो गाइस उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस होगा बीसीसीआई को, क्योंकि अब इंटरेस्ट नहीं बचेगा आईपीएल में, क्योंकि आईपीएल 3 महीने तक खींच जाएगा तो ये बीसीसीआई बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और साथ ही में गाइस बीसीसीआई ने ये भी बताया कि आईपीएल के सभी टीमों के मैचेस को जो कि पूरी तरीके से कमा दिया जाएगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पे दो दो मैचेस शायद यहाँ पे आप सभी को कमा दिए जा सकते। पहले 14 मुकाबले होते थे लेकिन अब यहाँ पे 12 मुकाबले भी देखने को मिल सकते हैं या फिर आपको 10 मुकाबले भी देखने को मिल सकते हैं, बीसीसीआई का ऐसा कहना है। और बीसीसीआई ने गाइस यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो कि रिसेंटली दिया, जहाँ पे बीसीसीआई की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जहाँ पे बीसीसीआई ने साफ साफ कहा है कि मैचेस आप सभी को कम देखने को मिलेंगे। और ये बात हम सभी को पहले से पता था कि इतना दिन तक आईपीएल यहाँ पे बीसीसीआई लेकर नहीं जाने वाले, क्योंकि सभी टीम देशों की अगर हम लोग बात करें तो सीरीज वगैरह भी होता है तो 3 महीने तक अगर आईपीएल चलेगा तो 1 महीने का मतलब बहुत कुछ हो जाएगा 1 महीने में। तो इसी वजह से बीसीसीआई भी नहीं चाहती है कि 3 महीने तक आईपीएल जाए, और अगर 3 महीने तक आईपीएल जाता भी है तो गाइस पे बीसीसीआई को भी लॉस कहीं ना कहीं होने वाला है, क्योंकि व्यूअरशिप जो होती है वो बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा और बीसीसीआई इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन को डेट को लेके। तो गाइस यहाँ पे बीसीसीआई ने जो बताया है कि आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन आप सभी को दिसंबर के महीने में ज़्यादातर है कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे दिसंबर के महीने में नहीं हो पाता है तो जनवरी के महीने में आप सभी को ऑक्शन पूरी तरीके से 100% कन्फर्म देखने को मिलेगा। बीसीसीआई अभी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि कई सभी टीमें अभी आईपीएल खेली हैं एंड अभी से वो तैयारी में लग तो चुके हैं, लेकिन टीमों को थोड़ा सा टाइम चाहिए, बीसीसीआई का ऐसा कहना है। शायद यहाँ पे कोई आईपीएल फ्रेंचाइज का यहाँ पे बोलिए जाके कि यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम चाहिए रिटेंशन को लेके, रिलीज प्लेयर्स को लेके एंड प्लेयर कहाँ कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा, वर्ल्ड कप देखना पड़ेगा कि हमारे खिलाड़ी किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं यूएई में। तो टीमों का ऐसा कहना है कि हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड कप देखेंगे, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट देखेंगे, रणजी ट्रॉफी भी होने वाली है, तो उस सारी चीजें देख के गाइस यहाँ पे टीमें अपना लिस्ट बनाएगी कौन कौन से खिलाड़ी को टारगेट करना है, कौन कौन से खिलाड़ी को इंक्लूड करना है, कौन कौन से खिलाड़ी को रिलीज करना है एंड किन किन को रिटेन करना है। तो इसी वजह से गाइस आप सभी को आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन दिसंबर में अगर नहीं होता है तो गाइस आप सभी को जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन पूरी तरीके से 100% कन्फर्म। एंड गाइस अभी चांसेस तो भी ये भी है, कुछ परसेंट चांसेस ये भी है कि दिसंबर के महीने में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बीसीसीआई यहाँ पे लगातार यहाँ पे फोर्स कर रही है टीमों को कि आप लोग जल्द से जल्द अपना काम करो, जल्द से जल्द खिलाड़ी के रिटेंशन के लिस्ट आप लोग जमा करो एंड उसके बाद हम लोग भी अनाउंस करेंगे इन इन टीमों ने इन इन खिलाड़ी को रिटेन किया है, इनको बाहर किया है। तो गाइस यहाँ पे बीसीसीआई ने तो यहाँ पे लगातार सभी टीमों को फोर्स कर ही रही है, बट टीमें अब जो बोलेगी वही बीसीसीआई करेगी क्योंकि टीम मेन है। तो ये नई रिपोर्ट निकल कर आ रही थी बीसीसीआई की तरफ से। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।